दुनिया भर में आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। वहीं हरदोई में कलेक्ट्रेट स्थित स्वच्छता वाटिका में वृक्षारोपण किया गया। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी अविनाश कुमार, अपर जिलाधिकारी संजय सिंह ने पौधारोपण किया। औषधि व ऑक्सीजन देने के पौधे रोपे गए। जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया, इकोसिस्टम रिस्टोर करने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार आमजन से भी पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने की अपील की है। इस मौके पर जिला वन अधिकारी वी के नगर मजिस्ट्रेट जंग बहादुर यादव, वन रेंज अधिकारी रत्नेश श्रीवास्तव आदि अधिकारीगण मौजूद रहे। आज विश्व पर्यावरण दिवस के दिन मेरा सभी जनता से अनुरोध है कि हम लोग जुलाई में एक बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम जो सरकारी तौर पे जो होता है आयोजित किया जाता है वो करेंगे, जिसमें हम 65 लाख पौधे आरोपित करेंगे। और उस अभियान में हम लोगों को जन सहयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो लोग जो हम सरकारी तरीके से कर रहे हैं, उसके अलावा लोग भी खूब ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएँ। आज विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हम लोग ये शपथ भी लें कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे और हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को एक बेहतर पर्यावरण देना हमारा दायित्व भी है। इसके लिए हम जो भी नियम कानून है जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं उनका पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाएं। काफ़ी कर रहा है, देखिए इको सिस्टम रिस्टोरेशन एक बहुत ही बृहद स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता होती है, तो उसमें कई विभागों का समन्वय की आवश्यकता होती है, जिसके लिए भारत सरकार ने भी कई दिशा निर्देश जारी किए हैं और राज्य सरकार ने भी। जैसे प्रथा एक है, नमामि गंगे परियोजना चल रही है, जिसमें गंगा के किनारे जो गांव हैं उनको स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ के उनको वहां पे खुले में शौच मुक्त कराया गया वहां पे कई ग्रामों में। उसके अलावा जो शव निस्तारण वाली स्थिति आती है कि लोग जो पुरानी प्रथाएं चल रही हैं उसके क्रम में लोग शवों को दफनाने का कार्य करते हैं, तो उसके बारे में भी उनको जागरूक किया जाता है। और कहीं कोई इस तरीके की घटनाएं आती हैं तो संज्ञान में आती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी आदेश निर्गत किए गए हैं। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे कैच द रेन प्रोग्राम भी भारत सरकार द्वारा चलाया गया है, जिसके लिए हम लोगों ने अभी प्रथम चरण में हमने 100 स्कूलों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मनरेगा के द्वारा लगाए गए हैं। और सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश भी दिए गए हैं कि आप अपने अपने प्राथमिक स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स को लगाएं, और सरकारी कार्यालयों में भी कार्यालय अध्यक्षों को इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो मनरेगा जो योजना है उसके माध्यम से हम लोग तालाबों को भी का सौंदर्यीकरण भी कराते हैं। नगर निकायों में भी हम लोगों ने तालाबों जो पुराने जो तालाब हैं उनको उनके सौंदर्यीकरण, और हम लोगों ने एक यहाँ पे विशेष परियोजना एक यहाँ शहर में भी बनाई है जिसमें तालाब का रेस्टोरेशन हम कर रहे हैं। और उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि नाले का जो पानी है उसको हम लोग शोधित करके वाटर रिचार्जिंग में हम लोग काम करें, तो उसकी परियोजना स्वीकृत हो गई है, जिसपे कार्य भी चालू हो गया है। इसके अलावा जो बहुत क्रिटिकल चीज़ होती है, एक होता है भूमि संरक्षण विभाग जो चेक डैम्स और ये सब बनाता है, हम लोगों ने नीलम नदी और पे भी हम लोगों ने परियोजना स्वीकृत करी है। सही नदी पे भी कार्य चल रहा है जिसमें हम चेक डैम्स और इनके माध्यम से पानी को रोक के और मनरेगा से उनका सौंदर्यीकरण करा के उसको कोशिश ये करते हैं कि वाटर रिचार्ज बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो पुराने झील तालाब हैं, जैसे सांडी पक्षी विहार भी है हमारा, उसके लिए भी एक कार्य योजना बनाई गई है और उसको हम शासन को प्रेषित कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चाह रहे हैं कि कैनाल से पानी लाया जा सके सांडी पक्षी विहार में। तो इस तरीके से बृहद स्तर पे प्रयास इको रेस्टोरेशन के हैं, जिसमें सबसे लेकिन उसमें सबसे जो प्रमुख प्रयास है वो है पौधारोपण का प्रयास, जो कि हम लोग जनपद में करेंगे जुलाई में, जो कि 65 लाख हम पौधा रोपित करेंगे। तो मुझे आशा है कि इको रेस्टोरेशन के प्रति जनता भी जागरूक होगी और हम लोगों के जो प्रयास हैं वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी कारगर साबित होगा। थैंक यू।